इंडस्ट्री के सबसे क्यूट कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने बीते दिन ही शादी की है, जहां पर इन्होंने शादी के बाद मीडिया को अपने आरके हाउस से निकलकर दर्शन दिए थे, जहां पर ये दोनों ही बिल्कुल गुड्डा गुड़िया दिख रहे थे और इन दोनों को पब्लिक और इनके घर खानदान वालों ने गिफ्ट देकर मालामाल कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि शादी के पहली रात पर मुंह दिखाई में रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को कितना महंगा गिफ्ट दिया है, जिसे देखकर आलिया की आंखों में आंसू आ गए। तो चलिए जान लेते हैं रणबीर कपूर के उस महंगे गिफ्ट के बारे में, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे क्यूट कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने बीते दिन ही शादी करके अपने आप को एक दूसरे का सुहाग बना लिया है। तभी तो ये दोनों जब आरके हाउस से मीडिया के बीच में आए तो इनकी खुशी इनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी, जो एक दूसरे को अपना जीवन साथी पाकर काफी ज्यादा ग्लो कर रहे थे। और इनकी शादी पर जितने भी परिवार वाले आए थे, उन सब ने दोनों को भर भर कर सोने चांदी हीरे मोती के गिफ्ट से लाद दिया था। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रणबीर कपूर ने भी आलिया भट्ट को सुहाग रात के सेज पर मुंह दिखाई में बहुत एक्सपेंसिव ऑफर गिफ्ट दिया है, जिसे देखकर ही आलिया भट्ट की आंखों में आंसू आ गए हैं। जी हाँ, वो गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि कपूर खानदान का 90 साल पुराना हार था, जिसकी कीमत आज के टाइम पर 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। इस हार को रणबीर कपूर की दादी कृष्णा कपूर, इनकी मम्मी नीतू कपूर ने पहना था और अब इस खानदानी हार को रणबीर कपूर ने अपनी पत्नी आलिया भट्ट को सौंप दिया है, जो इस रीति रिवाज को आगे भी चलाएंगी। और इतने महंगे खानदानी हार को पाकर आलिया भट्ट काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जहां पर इन्होंने इस हार के लिए रणबीर कपूर को शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ रणबीर कपूर ने और भी कई डायमंड और प्लेटिनम की रिंग आलिया को मुंह दिखाई के तौर पर गिफ्ट किया है। और इतने सारे एक्सपेंसिव और महंगे गिफ्ट पाकर आलिया भट्ट रात भर में ही 7 करोड़ रुपए के मालकिन बन गई है। तो दोस्तों, क्या आपको रणबीर कपूर का इतना महंगा गिफ्ट आलिया भट्ट को देना सही लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।